नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। आने वाले 21 डेज कुछ बड़ा संकेत दे रहे हैं, आने वाले 21 दिन कुछ बड़ा करते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हो सकती है। इस तरह के योग यहाँ पर बन रहे हैं और किस तरह की चीज़ें होंगी, कितना उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, ये सारी जानकारी आप मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में। अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो जाए। सबसे पहले स्थितियों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। अक्टूबर का महीना और 10 दिन निकले हैं अभी, आज 10 तारीख है जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, और ऐसी परिस्थिति में पिछले 10 दिनों में आतंकवादी घटनाओं का क्रम काफ़ी ज़्यादा बड़े लेवल पे होता हुआ नज़र आ रहा है। भारत में एक बड़ी आतंकवादी घटना को नाकाम किया गया, जम्मू कश्मीर के आसपास पुलिस और आतंकवादियों की मुठभेड़ हुई, हमारे कुछ जवान भी शहीद हुए। इसराइल और हमास के बीच में आतंकवादी समूह ने एक बड़ा हमला किया और जिसकी वजह से आज एक युद्ध की स्थिति दिखाता है। सो ऐसी परिस्थिति में समस्या तो डेफिनेटली चल रही है और ग्रहों ने अपना काम शुरू कर दिया। जैसे ही अक्टूबर के महीने की शुरुआत हुई, जैसे ही 3 अक्टूबर की तारीख निकली, वैसे ही चीज़ें बदलना शुरू हुई। मंगल और केतु की युति यहाँ पर अपना काम कर रही, क्योंकि राहु प्रबल जा रहे हैं। ये बात मैंने अपने कई वीडियो में पिछले एक्सप्लेन करी थी कि इस तरह की स्थितियाँ यहाँ पर गंभीर हो रही हैं। कुछ इसी तरह की स्थितियां थी जब यूक्रेन और रशिया के बीच में भी विवाद शुरू हुआ था, और उस समय देखा जा रहा था कि अगर ये विवाद कुछ टाइम फ्रेम के अंदर नहीं निपटता है तो फिर ये लंबा खिंच जाएगा। और आज स्थितियां वही है कि वो विवाद जो है वो लंबा खिंचता हुआ नज़र आ रहा है। ऑलरेडी बहुत टाइम निकल चुका है बट अभी तक भी कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। हालांकि 2024 में एक मौका आएगा जहां पर यूक्रेन और रशिया के बीच में सॉल्यूशंस निकलने की चांसेस बनेंगे, उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल यहाँ पे अगर हम बात करें तो सेम चीज़ यहीं पर निकल के आती है। इसराइल की जिस तरह से इसराइल अभी गिर रहा है धीरे धीरे, जिस तरह से इसराइल अभी लग नहीं रहा इसराइल को कि वो बच रहा है, उसको लग रहा है कि वो अपने आप को स्ट्रांग बना रहा है, बट इनडायरेक्टली वो कहीं ना कहीं अंदर जाता हुआ नज़र आ रहा है, वो मुसीबतों में गिरता हुआ नज़र आ रहा है। इस तरह की योग यहाँ पर बन रहे हैं और इसराइल की परिस्थितियां आने वाले 21 डेज तक अगर और ख़राब होती हैं, या इसराइल 21 दिनों में कोई बहुत बड़ी गलती कर देता है, इसराइल 21 दिनों में कोई बहुत बड़ा हमला कर देता है, एक और हमला, तो फिर यहां पर डेफिनेटली चांसेस हैं कि ये एक नेगेटिव रूप लेता हुआ नज़र आएगा। अगर 21 दिन शांति से निकल जाते हैं, कोई बड़ा धमाका, कोई बड़ा हमला, कोई बड़ी एक्टिविटी नहीं होती, तो ये एक प्लस पॉइंट रहेगा। उसके बाद भी जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, जो संधि होनी है या जो शांति वार्ता होनी है, जो बातचीत होनी है, वो आने वाले 6 मंथ्स में भी बहुत मुश्किलों से होते हुए दिखाई देती है। मतलब कि 6 महीनों तक बार बार खटपट खटपट चलती रहेगी, इस तरह से ये बनते योग। और मैक्सिमम टाइम अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि 18 महीने बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण दिखाई देते हैं। मतलब कि आने वाले 18 महीने में भी कई बार इस तरह की स्थितियां यहां पर देखने को मिलेंगी, जहां पर बार बार इस तरह की एक्टिविटीज़ होते हुए नज़र आएंगी। सो ये 21 दिन आपको वो फ्रेम बताएंगे कि आने वाला समय किस तरह से जाता हुआ नज़र आएगा। यहीं पर एक और चीज़ जो मैं देख पा रहा हूँ, ये एक तरह से कह सकते हैं कि इसराइल के साथ साथ किसी और कंट्री के साथ भी हो सकता है, क्योंकि अक्टूबर का महीना इस तरह का महीना है जहां पर आतंकवादी संगठनों का योग बहुत प्रबल बन रहा है। तो ऐसे कोई भी देश जहां पर आतंकवादी संगठन ज़्यादा हैं, वहां पर डेफिनेटली इस तरह की योग यहां पर बन सकते हैं। खलिस्तान हमने बार बार देख लिया, नाम सुन लिया, इसके अलावा कनाडा में हमने प्रॉब्लम देख ली। सो एक कनाडा में प्रॉब्लम होगी, दूसरा इसराइल में प्रॉब्लम होगी, एक और देश का नाम लिस्ट में आता हुआ ज़रूर नज़र आएगा। इस तरह की योग यहां पर बन रहे हैं और इस कैलकुलेशन में अब जो कंट्री आ सकती है, ये किसी तरह की प्राकृतिक घटनाओं की वजह से भी आ सकती है, या किसी तरह की गवर्नमेंट के डिस्प्यूट की वजह से भी आ सकती है, और या फिर कुछ इसी तरह की हादसे, इसी तरह के हमले होने की वजह से भी आ सकती है। इस तरह की योग यहाँ पर बन रहे हैं। आने वाला समय जो है
जब तक राहु अपने आप को स्ट्रांग कर रहा है, जब तक राहु अपने आप को प्रबल कर रहा है और राहु अपना काम कर रहा है, ये समय बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं दिखाई देता। और हम सभी को अक्टूबर के इस महीने को ख़त्म करने का इंतज़ार करना ही पड़ेगा, क्योंकि राहु 30th of October को ट्रांजिट करेगा। बट राहु ट्रांजिट करने के बाद भी वीक नहीं पड़ेगा, ये एक बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर दिखाई देती है। मंगल और केतु की युति ज़रूर हट जाएगी 30th of October के बाद, बट स्टिल कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट रहेगा, और वो इम्पैक्ट जो है वो 15 November जब तक कि मार्स ट्रांजिट ना कर जाए तब तक तो रहेगा ही रहेगा, इस तरह की योग यहाँ पर बन रहे हैं। सो ऐसी परिस्थिति में ये डेफिनेटली कहा जा सकता है कि आने वाला 20 to 21 days, या आप कह सकते हैं कि पूरा एक 30 दिनों का समय, मतलब कि आज 10 October है, 10 November तक का समय आप मान लें मोटा मोटा, ये पूरा का पूरा समय अनएक्सपेक्टेड चीज़ों के होने का है, अनएक्सपेक्टेड चीज़ों की घटनाओं के क्रम को बढ़ाने का है और प्राकृतिक घटनाओं के भी होने का है, इस तरह के योग बहुत क्लियरली दिखाई देते हैं। अंत में क्या होगा? अंत में इसराइल के जीतने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा दिखाई देते हैं। ये बात मैं आप सभी को पहले भी बता चुका हूँ कि इसराइल डेफिनेटली अपने आप को जीत करके ही मानेगा, इस तरह के योग यहाँ पर बन रहे हैं। इसके अलावा कुछ और जगहों पर मेरी कैलकुलेशन में इंडिकेशंस आ रहे हैं कि कुछ बड़ा होता हुआ नज़र आता है, जैसे कि वैसे तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मुझे कुछ बड़ा होता हुआ नज़र आता है, नेपाल में, भूटान में, आप कह सकते हैं कि कुछ बड़ा, चाइना में समथिंग बिग इज़ गोइंग टू हैपन, बर्मा के आसपास कुछ बड़ा होता हुआ नज़र आता है, भारत में अगर मैं देखूं तो भारत में सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, इन इलाकों के आसपास कुछ नेगेटिविटी होते हुए यहाँ पर नज़र आती है, कुछ आंदोलन, कुछ विवाद, कुछ हमले यहाँ पर होते हुए नज़र आते हैं, इस तरह के योग यहाँ पर बन रहे हैं। इसके अलावा अक्टूबर का एंड एंड नवंबर का महीना शेयर मार्केट के लिए बहुत अच्छा नहीं है, ये बात भी मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये समय शेयर मार्केट के लिए काफ़ी ज़्यादा नकारात्मकता लेकर के आ रहा है। आप सभी को कहूँगा मार्केट में संभल के रहिएगा, नहीं तो आप सभी बड़ा नुकसान करते हुए नजर आएंगे। अभी कुछ ही दिनों में 2 बड़े ग्रहण पड़ रहे हैं और ये 2 बड़े ग्रहण इस बार पूरे विश्व पर प्रभाव देने वाले हैं, इस वजह से विश्व बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड चीज़ों को देखता हुआ नज़र आएगा, और ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ें पॉजिटिव कम और नेगेटिव थोड़ी सी ज़्यादा होते हुए दिखाई देती हैं, इस तरह के योग बन रहे हैं। हालांकि सारी चीज़ें देखिए समय के अनुसार होंगी, आप किसी चीज़ को रोक नहीं सकते, बट यस आप चीज़ों को कैलकुलेट करके एटलीस्ट अपने मन को पहले से स्ट्रांग बना सकते हैं कि अगर ऐसा होने वाला है तो मैं अपने आप में स्ट्रांग हूँ। जैसे कि किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति को कोई बड़ा नुकसान होना, इस तरह की घटनाएं यहाँ पर होते हुए दिखाई देती है, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी पहले बहुत कुछ बता चुका हूँ कि ये समय है अक्टूबर और नवंबर का महीना, ये 2024 का एक ट्रेलर रूप यहाँ पर दे रहा है, मतलब कि 2024 थोड़ा और स्ट्रांग होता हुआ नज़र आएगा, 2024 में इम्पैक्ट और ज़्यादा स्ट्रांग होते हुए नज़र आएंगे, और हमें चाहिए कुछ अच्छे लीडर्स वर्ल्ड में जो इन चीज़ों को शांत करें, ना कि बढ़ाने की कोशिश करें। और जिस तरह से दुनिया का क्रम चल रहा है, जिस तरह से दुनिया का स्ट्रक्चर चल रहा है, वी आर मिसिंग दोज लीडर्स राइट नाउ जो कि शांति को लेकर के आए, तो ये बहुत ज़्यादा एक कायोस आप कह सकते हैं क्रिएट होगा वर्ल्ड में, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी क्रिएट होगी वर्ल्ड में। बट अगेन जो लोग ये सोच रहे हैं कि ये वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन है, अगेन जो लोग सोच रहे हैं कि 2024 में या 25 में दुनिया ख़त्म हो जाएगी, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये अभी वो सिचुएशन नहीं है। 2024 में और 2025 में स्पेशली किस तरह की घटनाएं घटेंगी, कौन कौन सी बड़ी घटनाएं हो सकती हैं, इसके बारे में मैं एक कैलकुलेशन कर रहा हूं जो कि बहुत जल्दी आपके साथ शेयर करूंगा, एंड उसमें आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी कि हमारे लिए भविष्य कितना ख़राब है और किस तरह से चीज़ें देखने को मिल रही हैं। उम्मीद करता हूँ तब तक के लिए आप मेरी बात को समझेंगे और आराम आराम से अपने आप को आगे ले जाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे ज़रूर से क्लिक करिएगा। कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा आप सभी की हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूँ। धन्यवाद।